हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल केएसएन टॉक्स। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड कॉन्स्टेलेशन 650 के बारे में। इस बाइक को दोस्तों फिलहाल में ही ट्रेडमार्क करा गया है इंडियन मार्केट में और आने वाले टाइम में आपको ये बाइक लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, रॉयल एनफील्ड कॉन्स्टेलेशन 1960 से 1970 का मॉडल था और तब इस बाइक में 692 सीसी के इंजन का यूज किया जाता था। तो अब ये बाइक दोबारा से लॉन्च होने जा रही है इंडियन मार्केट में, इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बाइक कब तक लॉन्च हो जाएगी, बाइक में कौन कौन से नए फीचर्स आ सकते हैं, बाइक में आपको क्या ऐसा नया देखने को मिलेगा कंपेयर में आने वाली बाकी बाइकों से, और लॉन्च होने पर इस बाइक का क्या प्राइस रखा जाएगा। तो अगर आप आने वाले टाइम में किसी न्यू बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को और बात करते हैं RE कॉन्स्टेलेशन 650 के बारे में। तो गाइस बात करें कॉन्स्टेलेशन 650 की, तो इस बाइक में सेम 648 सीसी के पैरेलल ट्विन फोर स्ट्रोक इंजन का यूज किया जाने वाला है जो आपको कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर में देखने को मिलता है। ये इंजन इस बाइक के साथ 47 से 48 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा 7150 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 52 न्यूटन मीटर का। क्योंकि दोस्तों ये बाइक एक क्रूजर कैटेगरी की बाइक होगी तो इस बाइक की टॉप स्पीड आपको कम देखने को मिलेगी कंपेयर में कॉन्टिनेंटल के। और बात करें फीचर्स के बारे में, तो बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा आप सभी की सेफ्टी के लिए, 6 स्पीड गियरबॉक्स रहेंगे बाइक में स्लीपर क्लच के साथ। और बात करें एडिशनल फीचर की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस बाइक में आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे और शायद इस बाइक में आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल सकते हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से। बाकी दोस्तों बाइक का कंसोल होगा एनालॉग प्लस डिजिटल, जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। और बाइक के सस्पेंशन में इसके फ्रंट पार्ट में 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक का यूज किया जाने वाला है, जिसमें आपको 110 mm का ट्रैवल देखने को मिलेगा। और इसके रियर पार्ट में आपको ट्विन शॉक अब्सॉर्बर देखने को मिलेंगे जैसे कि बाकी बाइकों में देखने को मिलते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि कॉन्स्टेलेशन 650 में आपको दोस्तों टायर साइज काफी वाइड देखने को मिलेंगे कंपेयर में बाकी सेगमेंट में आने वाली रॉयल एनफील्ड की बाइकों के। और क्योंकि ये रेट्रो सेगमेंट की बाइक है जो कि रीलॉन्च हो रही है इंडियन मार्केट में, तो इस बाइक का डिजाइन काफी बाइकों से आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, जिसमें बाइक के फ्रंट पार्ट में हैलोजन बल्ब का यूज किया जाएगा, बाकी आपको सभी पार्ट में इसमें LED लाइट्स देखने को मिलेगी। और दोस्तों बात करें डायमेंशन की, तो इस बाइक का कर्वेट होगा 220 से 230 kg के अराउंड, जो कि थोड़ा सा हैवी होगा बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइकों के। 160 mm के इसमें ग्राउंड क्लियरेंस होगी और इस बाइक की सीट हाइट होगी 765 mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाइक में दोस्तों आपको 15 से 16 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये बाइक आपको 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में और प्राइस के बारे में। ये बाइक दोस्तों आपको 2023 के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 330,000 से 350,000 के एक्सट्रीम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा इंश्योरेंस RTO लगाकर 370,000 से 400,000 के प्राइस पर। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो रॉयल एनफील्ड कॉन्स्टेलेशन 650 के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप में से कितने लोग हैं जो इस बाइक के लॉन्च होने का वेट करने वाले हैं और आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है, क्या कॉन्स्टेलेशन 650 बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइकों को बीट कर पाएगी या नहीं। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।